नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे दुनिया की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो सच साबित हुई हैं। आपने कभी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए देखा है? हो सकता है आपके पास इस बात का जवाब ना हो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद उदाहरण कह रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद उपन्यासों, फिल्मों, सीरियल्स और सपनों की गहरी कल्पनाएं जो हकीकत में बदल गईं और सच साबित हुई हैं। तो आइए आज हम आपको उन 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सच साबित हुई हैं। अमेरिका में हुए 9/11 के हमले की भविष्यवाणी 11 सितंबर 2001 के हमले से पहले ही इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। 2001 हमले की एक पीड़ित विधवा महिला का कहना था कि उसके पति हमले से पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो पहले ही बता चुके थे कि वो शायद 2001 के बाद जिंदा न रहें, और उन्होंने अपने परिवार वालों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले की संभावनाएँ भी जताई थी। दूसरा था टाइटैनिक जहाज डूबने की भविष्यवाणी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाने वाला टाइटैनिक जहाज, क्या आपको पता है कि इस जहाज की डूबने की भविष्यवाणी पहले ही एक उपन्यास में हो चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक की डूबने की घटना दिल को दहला देने वाली थी। आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि इस जहाज की डूबने की घटना के बारे में पहले ही 1898 में द ब्रेड ऑफ द टाइटन नाम के एक उपन्यास में लिखा जा चुका था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे एक जहाज डूबता है और यात्रियों से भरे जहाज को खाली कराने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब 15 अप्रैल 1942 को टाइटैनिक जहाज डूबा तो लोग हैरान हो गए थे। तीसरा है इतालवी शहर का भूकंप। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप आने के बारे में पहले कोई नहीं बता सकता, लेकिन 2009 की शुरुआत में एक शोधकर्ता ने भविष्यवाणी किया था कि इतालवी शहर ला अक्वेला में भूकंप आएगा और काफ़ी नुकसानदायक होगा और भारी संख्या में लोगों की मौत होगी। हालांकि जिस दिन की भविष्यवाणी शोधकर्ता ने की थी उस दिन तो भूकंप नहीं आया, लेकिन हाँ, उसके बताए हुए दिन के एक हफ्ते के बाद 6.3 की तीव्र गति से भूकंप आया, जिसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ और उस भूकंप में करीब 308 इतावली निवासियों की मौत हो गई थी। चौथा था अब्राहम लिंकन की मौत की भविष्यवाणी। संयुक्त राज्य के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने खुद ही अपनी मौत के बारे में कई पूर्व कल्पनाएं की थीं, और मरने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने अंगरक्षक को अपने एक भयानक सपने के बारे में बताया था। लिंकन का कहना था कि उन्होंने सपने में खुद को व्हाइट हाउस की तरफ जाते हुए देखा था, और तब तक देखा था जाते हुए जब तक कि वो लोगों के समूह से नहीं मिले थे। सपने उनके इस दौरान सैनिकों से घिरा एक संगठन दिखाई दिया। ये देखकर अब्राहम लिंकन ने सपने में ही अपने सिपाही से पूछा था कि वो निर्जीव व्यक्ति कौन था, तो सिपाही ने उन्हें बताया कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। इनके सपने में मरने वाले वो व्यक्ति खुद अब्राहम लिंकन थे। पांचवा था मैक्सिको तेल रिंग का विस्फोट। 2009 में रिलीज हुई निकोलस केज की फिल्म द मोविनोविंग, ये फिल्म एक पूर्व कल्पना के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म में पटकथा लेखक कोई भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि इस फिल्म में निकोलस केज को खूब बियर पीते हुए दिखाया गया था, जिसमें अभिनेता बियर पीते हुए टीवी में समाचार देख रहे होते हैं, तभी समाचारों में दिखता है कि मैक्सिको की कड़ी में
तेल रिंग पर एक विस्फोट हो गया है, जबकि वही ठीक एक साल के बाद अप्रैल महीने में मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिंग पर एक विस्फोट हुआ, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, जिससे कुछ घटना का टाइटल भी फिल्म के नाम के जैसा ही रखा गया था। छठवां मिस्टर रॉय पर बाघ का हमला। फेमस कार्टून द सिंपसंस के लेखक की कहानी भी सच साबित हुई, क्योंकि उन्होंने 1993 में एक शो में टाइमर गुंथर और अनफ्रेड के खिलाफ बाघों का हमला दिखाया था। उस दौरान सिगफ्रेंड और रॉय भ्रमकारियों के वास्तविक व्यंग्यकार माने जाते थे, जिसके चलते रॉय और सिगफ्रेंड दोनों ही लॉस वेगास में काफ़ी मशहूर थे। 2003 में ये घटना घटी और एक बाघ ने रॉय पर हमला कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने शो में दिखाया था। बाघ के हमले की घटना तब हुई जब वे अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे। सातवां मैराथन दौड़ में हुए हमले के बारे में। एनिमेटेड सीरीज फैमिली गॉड एपिसोड में पीटर ग्रिफिन के चरित्र को बॉस्टन मैराथन में उनके प्रदर्शन के बारे में हमेशा ही बातचीत होती रहती है। 2013 में प्रसारित एपिसोड में दिखाया गया था कि पीटर ग्रिफिन की कार का इंजन स्टार्ट मिलता है और उसके पास में ही सड़क पर कोई और खड़ा भी दिखाई देता है, जिसमें उस आदमी को गिरता हुआ दिखाया गया है। इसके बाद अप्रैल महीने में बॉस्टन मैराथन हमले में ऐसा ही हुआ था, जिससे इस भविष्यवाणी को सच माना जाता है। आठवां परमाणु हमले की भविष्यवाणी। सन 1913 में लेखक वेल्स ने द वर्ल्ड फैट फ्री नाम के से एक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने परमाणु बम के हमले के बारे में लिखते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी। उस दौरान वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि काफ़ी ऊर्जा को जारी किया जा सकता है, लेकिन कैसे ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। इस विषय पर वेल्स की पहली प्रतिक्रिया थी, जो परमाणु विखंडन के द्वारा उत्पादित किया जा सकता था, और ऐसा ही हुआ जब 32 साल बाद नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ। परमाणु हमले का दुष्प्रभाव काफ़ी पड़ा, जिसके चलते इस हमले में काफ़ी ऊर्जा का नुकसान भी हुआ। वेल्स ने अपने इस उपन्यास में इस हमले के बारे में जिक्र किया था, जो बात साबित हुई। नौवां है मंगल ग्रह और चंद्रमा के बारे में भविष्यवाणी। सन 1735 में लेखक जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर के ट्रेवल्स के बारे में लिखा था, जबकि उस समय इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। लेखक ने अपनी एक किताब में मंगल ग्रह और दो चंद्रमा के बारे में भी लिखा था, जो 1877 तक ये बात प्रमाणित नहीं हो सकी। हालांकि लगभग 142 साल के बाद अमेरिकी खगोलशास्त्री असाफ हॉल ने लाल रंग के चारों ओर दो प्राकृतिक उपग्रहों की मौजूदगी को स्वीकार किया था। लाल ग्रह के चारों ओर जो दो प्राकृतिक उपग्रह को अमेरिकी खगोल के स्वीकार किया था, जो ग्रह मंगल और चंद्रमा ग्रह थे, जिसके बारे में स्विफ्ट ने पहले ही अपनी किताब में लिख चुके थे। दसवां पनडुब्बियों की भविष्यवाणी। फ्रांसीसी लेखक जूल वर्ने ने 1870 में बिजली की ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के बारे में भविष्यवाणी की थी, और इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब 20,000 लीक्स अंडर द सागर में भी किया था, जिसमें उस पनडुब्बी को नीमो नाटिलस चला रहा था। इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली इस पनडुब्बी को काफ़ी अच्छे से मूव कराया जा सकता था, लेकिन इस भविष्यवाणी को सच साबित होने में लगभग 90 साल लग गए। अमेरिकी पनडुब्बियाँ USS नाटिलस इलेक्ट्रिक इंजन के प्रयोग से सबसे पहले तैयार हुई। देखा जाए तो एक बार फिर भविष्यवाणियों, अनुमानों और दावों का दौर फिर से चल पड़ा है। आज भी कई भविष्यवाणियां होती रहती हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। इन अनुमानों को देखते हुए सवाल ये उठता रहा है कि इन भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों में कहीं अनावश्यक भय तो पैदा नहीं किया जा रहा है। अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित इन भविष्यवाणियों का आकलन कितना सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने आपको रूबरू कराया उन भविष्यवाणियों के बारे में जो अभी तक सच साबित हुई। तो दोस्तों, फिर हम हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।